राहुल का लद्दाख में धूम वाला अवतार। राहुल ने लद्दाख में कैसे दौड़ाई बाइक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान वे धूम वाले अवतार में दिखाई दिए। राहुल गांधी आम दिनों से अलग सफेद कुर्ते पैजामे की जगह बाइक राइडिंग सूट पहने हुए दिखाई दिए। वे बाइक चलाते हुए लद्दाख की सड़कों पर देखे गए। उनका सफर पेंगोंग त्सो लेक की तरफ था। इसे लेकर वे खासे रोमांचित भी दिखे। राहुल गांधी के साथ कुछ और बाइक सवार भी दिखाई दिए। इसे लेकर उन्होंने खुद अपनी इस एडवेंचरस ट्रिप की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। राहुल के इस एडवेंचर की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए हैं। KTM बाइक और स्पोर्ट्स हेलमेट में राहुल लद्दाख की सड़कों पर अपनी बाइक स्किल्स को खूब शो करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लेह में अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर पेंगोंग झील पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था। कांग्रेस इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाती आई है। राहुल गांधी ने अपनी पेंगोंग तक की बाइक राइडिंग वाली तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि मेरे पिता कहा करते थे, पेंगोंग लेक दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा को लेकर खासे उत्साहित दिखाई दिए। इससे पहले राहुल गांधी ने लद्दाख में केंद्र सरकार और आरएसएस पर जमकर प्रहार भी किए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि हर संस्था में आरएसएस के लोग हैं, यहां तक कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों में भी आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं और वही लोग सब कुछ चला रहे हैं। यहां तक कि अगर आप केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि असल में वे अपने मंत्रालय नहीं चला रहे, बल्कि आरएसएस की ओर से नियुक्त किए गए उनके ओएसडी चला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लद्दाख में भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में पहुंचे हैं। उनके मंच पर भारत जोड़ो यात्रा का एक बैनर लगा हुआ भी दिखाई दिया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ देखकर बेहद दुख होता है। वहीं उन्होंने देश की मीडिया पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि अधिकतर चैनलों पर गैर जरूरी विषय चलाए जाते हैं, जबकि शिक्षा, रोजगार और जनता की परेशानी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता और न ही ऐसे मुद्दों को तरजीह दी जाती है। खैर, राहुल गांधी लद्दाख में अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां वे 20 अगस्त को पेंगोंग लेक पर अपने पिता की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं राहुल गांधी के सुहाने बाइक वाले सफर के साथ।